देश में कोरोना के नए स्ट्रेन ने एंट्री कर ली है। कोरोना के इस नए रूप के मामले भी अब बढ़ते दिख रहे हैं। बिहार में भी कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग विदेश से आने वाले कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर तैयारियां कर रही है, वहीं दूसरी ओर विदेश से 13 लोगों के मुजफ्फरपुर जिले में आने से स्वास्थ्य विभाग सख्ती में आ गया है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद ने बताया कि विदेश से 13 लोगों के आने की जानकारी मिली है, जिनमें से एक व्यक्ति ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन से आए इस व्यक्ति को कोरोना वायरस की जांच के साथ ही इन सभी 13 लोगों के पूरे परिवार को सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया है। विदेशों से 13, ब्रिटेन से एक, तो सिंगापुर से आए हैं। 13 ही पड़ता है। और ये लोग शहर के ही हैं और उसकी सूची जैसे ही हम लोगों को प्राप्त हुई है, आज मोबाइल टीम जाँच के लिए उनके घर पर भेज दिया गया है, जो उनके साथ साथ जिस घर में रह रहे हैं उस सबका जांच होगा और टीम आज करके ले आएगी और उसके बाद स्क्रीन के बाद ही अग्रतर कार्रवाई के बारे में सोचा जाएगा। अब तक जिले में कोरोना की क्या स्थिति? कोरोना less than 1% है टोटल में, तो 0.5% पॉजिटिविटी है। जांच 5 से 6 हज़ार पर डे हो रहा है। 6 लाख से ऊपर टोटल जांच किया जा चुका है और नियंत्रण में है। अभी हम लोग हर इंट्रेंस पर जांच टीम बैठाए हुए हैं। स्टेशन पर 3 बूथ लगा हुआ है, बैरिया बस स्टैंड में है, इमली चट्टी में है, सदर अस्पताल में। बिना छुट्टी के सभी दिन किए जा रहे हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या कि सोशल डिस्टेंस रहें और मास्क का प्रयोग करें और थोड़ा भी शक हो तो आप जांच करा लें। वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत समेत ज्यादातर देशों ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत के लिए मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं। इस नए वेरिएंट से भारत में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इस स्ट्रेन के भारत में अब कुल संक्रमितों की संख्या 25 हो गई है। मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।